अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या प्राइस अप जाएगी, डाउन जाएगी, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट क्या आने वाले दिनों में अपना रिएक्शन दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये अपडेट की थी कि 17,000 to 20,000, और जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया था कि 22,000 to 23,000 तक हमें एक रिजेक्शन मिलेगा, जो कि हमें मिला रिजेक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर 22,000 पर रिजेक्शन मिल गया था। ठीक है, और उसके बाद जो हमने कहा था 17,000, तो तकरीबन 17,000 तक प्राइस गई थी। ठीक है, 17,600 to 17,500 तक प्राइस जा चुकी थी बिटकॉइन की। ठीक है, तो अब क्या मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही है, तो अभी मैं कहूँगा कि अभी बहुत ही क्रिटिकल टाइम आ चुका है कि अब बिटकॉइन ने या तो अप जाना या तो डाउन जाना, क्योंकि उसने काफ़ी देर जो है ना एक समय साइडवेज चल रही है। ये जो एरिया था ना उसका 19 जून से 1 जून तक, जुलाई तक, ठीक है, 1 जुलाई तक ये इसका साइडवेज चलने का टाइम था, और ये चल चुका है। अब जैसा कि मैं आपको हर बार पीछे बताता हूँ, जब भी साइडवेज चलता है या तो अप जाएगा या तो डंप जाएगा, बड़ी मूवमेंट होगी। तो अब ये सीन भी यहाँ पर वो आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखें, ठीक है, ये चीज़ देखें यहाँ पर, और यहाँ पर ये चीज़ देखें, सेम चीज़ें मिल रही हैं। अब इसमें अगर हम 4 ओवर में देखें ना, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 4 ओवर में अगर हम देखें तो जितनी भी EMAs है ना, सब ने इसको सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ऊपर रिजिस्ट कर रही है कि हमने इस प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना, सवाए 200 EMA के। अब 200 EMA है यहां पर 24,900, हम 25,000 कह सकते हैं, लेकिन अगर इसने, क्योंकि बहुत हैवी रिजिस्टेंस है 21,000 का, ठीक है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने तोड़ दिया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना, वो 22,500 to 23,000 होगा। ठीक है, यहां तक, क्योंकि यहां तक कि जो EMA ना, तब तक ये भी नीचे आ चुकी होगी, वहां पर प्राइस की मूवमेंट जज की जाएगी। अगर तो इसने आज इस वीक की जो कैंडल है, अगर इससे नीचे क्लोज होगी, मैं दोबारा जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था 22,000 to 23,000 से अगर नीचे रिजेक्शन होकर नीचे ही क्लोजिंग हुई, तो हमारा ये वीक भी बेरिश में जाएगा, और सेम वही चीज हुई। तो अब भी सेम वही प्रेडिक्शन है। अब हमें ना यहाँ पर रेड कैंडल बनती नजर आएगी। ठीक है, अभी आप 4 ओवर के चार्ट में देखें, आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है। ठीक है, एक अपर साइड मूवमेंट हो रही है कि प्राइस जो है वो अप जाएगी। ठीक है, जा सकती है प्राइस 21,500 तक जा सकती है प्राइस, फिर वहां में रिजेक्शन भी हो सके होगी वहां पे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें 21,750 पे एक सपोर्ट है। ठीक है, जिसको हम 21,500 भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगी। और हमारा ये जो स्टोकेस्टिक देखें, ये भी अपर साइड की तरफ है, हमारा वॉल्यूम भी काफ़ी आया है, और यहाँ पे एक छोटा सा रेड मतलब सेलिंग हुई है। ठीक है, सेलिंग हो रही है, देखिए प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है इसको, क्योंकि यहाँ पर EMAs आ रही हैं। अगर हम 1 डे के चार्ट पे देखें, 1 डे के अगर चार्ट में देखें, तो हमें और वाजिया क्लियर हो जाएगी, और हमें हमारा जो नेक्स्ट वीक है आने वाला, वो भी हमारा प्रिडिक्ट हो जाएगा। 100% कन्फर्म नहीं होगा, लेकिन प्रिडिक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम स्टोकेस्टिक देखें ना, जैसे मैंने कहा, जब जब ये गले मिलता है ना आपस में, जब जब ये गले मिलता है, ये देखें, अगर आपने पिछली वीडियो उठा के देखें, तो मैंने इस पर तब भी कहा, जब भी जफ्फी डाल रहा होता है या गले मिल रहा होता है, कोई ना कोई इसने काम डालना होता है। तो अब भी सेम वही चीज़ हो गई, यहाँ तो हम नीचे जाएंगे, ठीक है, 17,000 तक, या तो हम यहाँ ऊपर इस लेवल तक आ जाएंगे। ठीक है, 24,000 to 25,000 तक हम आ जाएंगे, वहां से हमें फिर रिजेक्शन मिलेगी। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। देखिए पहला जो मैंने आपको बता दिया 17,000 है, जब 17,000 प्राइस नीचे क्लोजिंग हो जाए ना उससे, तो फिर जो अपने USDT स्पेयर में रख लेना, क्योंकि उसके बाद नीचे बहुत बड़ा जो है ना वो आपका सपोर्ट है, मतलब बहुत दूर जाके आपका सपोर्ट आता है। अगर हम वीकली में देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट 12,313 का एक स्पोर्ट है, एक आपका है 14,000 का, तो फिर यहाँ पर आके प्राइस गिरेगी। ठीक है, जैसे ये देखें, जो हमारा 25,000 वाला था, ठीक है, मैं आपको कैसे कहता रहा था, मई को मैंने बता दिया था
2020 को कि हम 25,000 तक जाएंगे। और मैंने उस टाइम, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे मुझे फॉलो करते हैं ना, HNGlobal111 ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्विटर पे मेरा सेम हैंडल है, ठीक है, HNGlobal111। तो मैंने उसमें आपको ये अपडेट की थी, तो आप सेम देखें, इतनी बड़ी डाउनफॉल एकदम आई है, ठीक है। ये देखें, ये भी आया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी 3,000 का, 4,000 का एकदम डंप आ सकता है, तो आप लोग रेडी रहेगा। और यहाँ पर स्टोकेस्टिक भी देखें, ग्रीन नीचे को और रेड ऊपर को हो रही है 1 डे चार्ट के अंदर। लेकिन हम अगर 4 डे, 4 रो का चार्ट देखें, थोड़ा सा हम बुलिश हैं, और अगर हम 1 डे का चार्ट देखें, हम बेरिश हैं। यानी कि जो हमारा इस वीक है, हो सकता है कि वो हमारा बेरिश ही रहे। और उसके साथ अगर हम मार्केट की अपडेट देते चलें, तो देखिए 930 बिलियन डॉलर इस टाइम सरमाया है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। जो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। पहले 80 समथिंग पहुंच गया था, 800 समथिंग तक पहुंच गया था। तो अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए, आप रिटेल इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं और बाय कौन कर रहा है, मार्केट तो डंप हो रही है, अब इसको बाय कौन कर रहा है, वही जो मैं आपको हर वीडियो में, अपनी जितनी भी मैं टेक्निकल एनालिसिस की आपको वीडियो दे रहा होता हूँ, उसमें मैं आपको बता रहा होता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वो बाय कर रहे होते हैं। वो कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर प्राइस यहाँ पर आई, ठीक है, 17,700 से 600 तक या 500 तक आ गई थी, ठीक है। हमारा था 17,000 का टारगेट, ठीक है, तकरीबन हम यहाँ पर राउंड ऑफ ले लेते हैं। अब यहाँ से बड़ी वेल्स, बड़े इन्वेस्टर्स ने बाइंग ऑर्डर लगाए थे, जैसे ही वो बाइंग ऑर्डर आते थे, प्राइस हिट होते थे, प्राइस वापस से अप जाती थी, ठीक है, अप जाती थी, वो वापस से प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता करके बुक करने लगते थे, और सेल किसको कर रहे होते थे, रिटेल इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जब भी मार्केट डंप हो रही है, सारे सेल कर रहे हो ना, तो उससे हम इंस्टीट्यूशंस और बड़ी वेल्स जो हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके बाय कर रहे होते हैं, उसको पंप एंड डंप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये कहना कि अगर सारे डंप कर रहे हैं तो बाय कौन कर रहा है, तो मैं आपको बता दिया कि वेल्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लो पे बाय और हाई पे सेल करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके, ठीक है, वो इसी से ही काफी बड़ा सरमाया हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब रिसेशन, जैसा कि आपको पता, आ चुका हुआ है, अनाउंसमेंट होना बाकी है उसका बस। तो आप लोग जो है ना, कोशिश करें DCA करें या SIP करें, वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए, कॉइन्स जो अच्छे अच्छे कॉइन्स है ना, उनको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर लें। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे कौन से अच्छे कॉइन है, मिड रेंज के लिए, लो रेंज के लिए, हाई रेंज के लिए, कौन से कॉइन है, सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये देख लें, तो अब आपने होल्डिंग अपनी पावर बढ़ा लेनी है, और जितना आपको जिस कॉइन में प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट बुक करके अल्लाह हाफिज, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाकी अपना रखना है। और चैनल को आप दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, उसके बाद टर्नअप की कुछ अपडेट्स हैं, तो वो आपके साथ अपडेट भी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी वीडियो, होके आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अगर तो शेयर कीजिएगा, और एकदम से मार्केट पंप एंड डंप हो रही है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।